हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक हियर। मैं हूं पुणे के आउटस्कर्ट्स में और आज है मेरे पास यसदी एडवेंचर। तो मेरे पास पिछले 3 दिन से ये बाइक है और मोस्टली मैंने ये बाइक चलाई है सिटी में और थोड़ा बहुत मैं इसको लेके गया हाईवेज पर और थोड़ा बहुत कुछ ट्रेल्स पर। तो एज आई मेक द रिव्यू वीडियोस, आई विल कवर ऑल द 3 एस्पेक्ट्स। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं कवर करूंगा, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, रियल वर्ल्ड पॉइंट्स जो कि आप लोग को एक्चुअली हेल्प करेंगे टू मेक द डिसीजन वेदर टू गो फॉर दिस और नॉट। सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट द लुक्स ऑफ द बाइक। तो बाइक काफी ज्यादा हिमालयन जैसी लगती है, हम लोग को देखने की आदत है एडवेंचर सेगमेंट में हिमालयन को, तो यसदी ने भी वैसा ही प्ले किया है। बट द कंसोल दैट दे हैव गिवन, जो कंसोल की डिजाइन है और जो विंडशील्ड की डिजाइन है उसकी वजह से दिस बाइक एक्चुअली लुक्स अ लिटिल बिट मॉडर्न। बाकी अगर देखोगे तो टैंक की डिजाइन इन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। ओवरऑल इफ आई से द बाइक लुक्स गुड एंड फ्रेश। सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको यहीं से एक्सेसिबल है। सो इट शोज ट्रिप ए, ट्रिप बी, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरेज जो कि अभी दिखा रहा है इसमें 22 किलोमीटर्स। यू कैन चेंज द राइडिंग मोड्स। इफ यू सी राइट नाउ इट इज शोइंग रेन मोड। रेन मोड से मैं इसको लॉन्ग प्रेस दोबारा करूंगा तो ऑफ रोड मोड आ गया। ऑफ रोड मोड में आपका रियर ABS जो है वो ऑफ हो जाता है। एंड देन थर्ड मोड इज योर रोड मोड विच इज नॉर्मल फॉर सिटी राइडिंग। पहले स्टार्ट करते हैं रोड मोड से। रोड मोड इज योर सिटी राइडिंग मोड एंड हाईवे राइडिंग मोड। तो सिटी में मैंने ये बाइक काफी ज्यादा चलाई है तो आपको दिखाता हूँ व्हाट आई फेल्ट राइडिंग द बाइक इन द सिटी। अरे क्यों इतना ट्रैफिक है यार पुणे में दोपहर में। इट्स इजी टू राइड इवन इन द ट्रैफिक। ऐसा नहीं है कि ऐसा लग रहा हो आपको कि काफ़ी बड़ी बाइक चला रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इजीली मैनेजेबल है। एंड इसमें एक्चुअली कोई इंजन हीटिंग का भी वो नहीं लग रहा मुझे। थोड़ा बहुत मुझे स्क्रैम्बलर में इंजन हीटिंग लग रही थी पर एडवेंचर में इंजन हीटिंग भी नहीं लग रही है। सो इंजन एक्चुअली तीनों ही बाइक्स पर सेम है, रोडस्टर हो, यसदी स्क्रैम्बलर हो या फिर एडवेंचर हो, पर तीनों की ट्यूनिंग डिफरेंट है। सो दैट इज़ वाई तीनों का चलाने का अलग एक्सपीरियंस है। तो सिटी ट्रैफिक में यू आर गोइंग टू राइड द बाइक मोस्टली इन सेकेंड गियर क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड होती नहीं है। सो 10-12 की स्पीड से लेके 25-30 की स्पीड तक सेकेंड गियर इज़ कम्फर्टेबल। ब्रेक्स आर गुड। काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्रैफिक में चला लिया है एक्चुअली यसदी एडवेंचर को एंड नाउ आई कैन से कि आप इसको डेली कम्यूट के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। तो सिटी ट्रैफिक में चला रहा हूँ मैं यसदी एडवेंचर। गुड एक्सेलरेशन, पिकअप बहुत सही है बाइक का। नाइस। तो पिकअप एंड एक्सेलरेशन इज गुड। जो 30 BHP की पावर है वो पता लगती है। एंड एक चीज़ मेरे को जो बहुत अच्छी लग रही है वो ये जो कंसोल है ना, पूरे टाइम राइड करते टाइम सामने दिख रहा है और ये डिजिटल कंसोल है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अभी मैं धूप में चला रहा हूँ, एकदम 1 बजे का टाइम हो रहा है, सर पे धूप है, पर उसके बाद भी कम्फर्टेबली मेरे को सारी चीज़ें कंसोल में आराम से क्लियरली विजिबल है। अभी मैंने इसको माई SD ऐप पर कनेक्ट नहीं किया है, अभी वो कर लेता तो फिर मेरे को आराम से मैप्स भी यहाँ पर दिखते रहते। एवरेज दिखा रहा है अभी 25 किलोमीटर्स पर लीटर। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूल टैंक रेंज, तो जब मैं हाईवे पर बाइक लेके गया था तो हाईवे पर मेरे को अराउंड 30 का माइलेज मिल रहा था और इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 15.5 लीटर्स। तो अगर आप 6th गियर में इसको 50-60 की स्पीड में चला रहे हो हाईवे पर तो आपको आराम से 400-450 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाएगी विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर आप बहुत तेज़ भी चलाते हो, अगर आदत है कि हायर टॉप एंड पे चलाने की, तो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट माइलेज ऑफ 25 माइलेज पर भी आपको आराम से 15.5 के हिसाब से 370-380 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाईवे राइडिंग, तो कंफर्टेबल क्रूज स्पीड इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द इंजन वाइब्रेशन, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली जब आप स्पीड बाइक चलाते हो तब पता लगता है। सिटी और ऑफ रोड मोड में इंजन वाइब्रेशंस और क्रूज स्पीड पता नहीं चलती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द कंफर्टेबल क्रूज स्पीड, अगर आप 6th गियर में इस बाइक को 90-110 की रेंज में चला रहे हो तो वो आपकी कंफर्टेबल क्रूज स्पीड भी है, जहां पे आप एकदम रिलैक्स चला रहे हो, इंजन में कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा आपको एंड देयर वोंट बी इवन एनी वाइब्रेशन, क्योंकि उस रेंज में ना आपका RPM रहता है 5000-6000 RPM। पर जहां पर आप 5th गियर में 110-120 की स्पीड में चलाओगे दैट मीन्स यू आर गोइंग बियॉन्ड 6000 RPM, वहां पे आपको फुट पैक्स में और टैंक पे वाइब्रेशन फील होंगी ही होंगी।
सो द स्वीटेस्ट रेंज टू राइड दिस बाइक इज 4000 टू 6000 आरपीएम. उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे किसी भी गियर में यू विल फील लिटिल बिट ऑफ वाइब्रेशन. तो हाईवे राइड में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है दैट इज राइड कंफर्ट. जब आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो 400-500 किलोमीटर की राइड पे या इवन फर्दर, उस पे आप कितने टाइम तक इस बाइक पे आराम से कंफर्टेबली चल सकते हो विदाउट फीलिंग टायर्ड. तो पहली बात तो अगर मैं बात करूँ तो राइडिंग पोस्चर इज गुड, हैंडल बार पोजीशन इज स्ट्रेट, आप आराम से स्ट्रेट बैठे हुए हो. मेरी हाइट है 5'8" एंड माई फीट आर ग्राउंडेड परफेक्टली. बाइक की जो सीट हाइट है दैट इज 815 mm, पर उसके बाद भी मेरे आराम से पैर पूरे नीचे ग्राउंडेड है. जो मैंने चलाई बाइक अराउंड 1 hour 1.5 hours ऑन द हाईवे, मेरे को कुछ भी टायरिंग नहीं लगा. बहुत आराम से मैं 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके गया था एंड आई कुड हैव इजिली स्ट्रेच द डिस्टेंस टू 150 किलोमीटर. 2 से 2.5 hours जो मेरी राइडिंग स्टाइल है, मैं आराम से इस बाइक को विदाउट ब्रेक चला सकता हूँ हाईवे पे. सो राइडिंग पोजीशन इज कंफर्टेबल. सीट मेरे को थोड़ी सी हार्ड लगी, तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो सीट सॉफ्ट लगती है, पर जब आप बाइक चलाते हो तो उस टाइम पे पता नहीं क्यों सीट मुझे थोड़ी सी हार्ड लग रही थी. बट द गुड पार्ट इज कि सीट हाइट कम है, तो आप इस पे आराम से कुशन सीट्स लगा सकते हो लॉन्ग राइड्स के लिए. एंड लॉन्ग राइड्स पे आप जा रहे हो और अगर पिलियन के साथ में जा रहे हो, विच एक्चुअली आई डू अ लॉट. लॉट क्या, मैं तो सारी राइड पिलियन के साथ में ही करता हूँ. तो पिलियन सीट इज ऑल्सो गुड, यू हैव इनफ स्पेस, सीट लेंथ काफी ज्यादा है. पिलियन के साथ में आप बहुत कंफर्टेबली आराम से लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हो, नॉट एन इश्यू एट ऑल. लगेज कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है बाइक पे, पूरा फ्रेम दिया हुआ है. यहाँ पे आप टॉप बॉक्स लोड कर सकते हो, सैडल स्टेज के साथ में सैडल बैग लोड कर सकते हो, वहाँ पे टैंक बैग लगा सकते हो. सो दीज आर थिंग्स विच आर बेसिक फॉर एन एडवेंचर बाइक एंड ऑब्वियसली वो सारी चीजें अच्छे से कवर्ड है, नो इश्यूज एट ऑल. एक चीज जो मुझे अच्छी लगी कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है दैट इज एक्चुअली बेटर देन स्क्रैम्बलर. मैं 3 दिन पहले स्क्रैम्बलर चला रहा था, स्क्रैम्बलर का जो रियर सस्पेंशन है वो काफी ज्यादा स्टिफ है. ऑन दिस वन इफ यू सी, सो देयर इज लिटिल बिट ऑफ प्ले इन द सस्पेंशन. लॉन्ग राइड्स पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ये, जब थोड़ी बहुत गड्ढे वड्ढे वाली रोड आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द ब्रोकन रोड्स या फिर विलेज रोड्स पे आप राइड कर रहे होते हो, तो थोड़ा बहुत सस्पेंशन में प्ले होना चाहिए, जो कि एडवेंचर में है. स्क्रैम्बलर में दिस थिंग वॉज मिसिंग. Now let's talk about the off-road mode, the mode for which this bike is built and off-road ride purpose के लिए आप में से बहुत सारे लोग इस bike को consider कर रहे होंगे. Okay, first let's put ऑफ रोड मोड. ओके, तो ये है मोड चेंज करने के लिए नीचे वाला जो एरो है. इफ आई चेंज दिस, तो अभी रेन मोड लगा हुआ है एंड नाउ इट इज ऑफ रोड. सो अभी रियर एबीएस ऑफ हो गया है, लेट्स स्टार्ट. ओके, तो राइडिंग दिस बाइक ऑन द ऑफ रोड ट्रेल, ये सही लग रहा है. ओके, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड इज सैडलिंग. मैं तुरंत फुटपैक्स पे खड़ा हो गया हूँ और आराम से कंफर्टेबली बाइक चला रहा हूँ. तो ये एक डिसेंट ऑफ रोड ट्रेल मेरे को दिख रही थी, तो मैं इस पर आ गया. छोटे मोटे गड्ढे भी हैं, थोड़ी बहुत रोड भी ख़राब है एंड कुछ जंगल का सा रास्ता दिख रहा है. सो ऑन दीज काइंड ऑफ ट्रेल्स इफ़ यू सी, मैं सेकेंड गियर में चला रहा हूँ बाइक को बहुत आराम से खड़े होके. सो साइडलिंग पोजिशन इज़ क्वाइट नाइस, आई कैन होल्ड द टैंक विद माई थाइस कम्फर्टेबली. नाइस नाइस ट्रेल एक्चुअली, एंड ये बाइक को चलाने में मज़ा आ रहा है इस ट्रेल पे. तो इवन अगर मैं बैठ के भी चलाऊँ तो ट्रैवल सस्पेंशन इज गुड विच गिव्स यू द कंफर्ट यू वांट ऑन सच ट्रेल्स. अगर आप लॉन्ग राइड्स पर जा रहे हो, पिलियन के साथ में जा रहे हो, तो आप सैडलिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू सिट एंड राइड. एंड दैट वेज ऑल्सो द बाइक इज कम्फर्टेबल ऑन दीज ट्रेल्स. जैसे अगर मैं स्क्रैम्बलर की बात करूँ तो स्क्रैम्बलर का सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ था, तो उसमें वो कम्फर्ट नहीं था ऑफ रोड ट्रेल्स में. बट ऑन दिस बाइक आई कैन फील द कम्फर्ट. ओके, नेक्स्ट इज ऑफ रोड में जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है दैट इज ग्राउंड क्लियरेंस. सो दिस बाइक हैज़ 220 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस एंड विच इज़ स्टैंडर्ड नाउ, सेम एज GS 310 एंड हिमालयन. तो उन दोनों में भी 220 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस है. सो यू कैन बी श्योर कि वेन यू आर राइडिंग द ट्रेल्स, अनलेस एंड अंटिल बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह नहीं हो, बोल्डर्स वाली ट्रेल्स नहीं हो, तब तक नथिंग इज गोइंग टू हिट द चासी एंड द फ्रेम इंजन. तो ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड, सस्पेंशन इज गुड, सैडलिंग पोजिशन इज नाइस. मेरे को एक्चुअली सैडलिंग करना है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि यूजुअली मैं सैडलिंग कर नहीं पाता हूँ, आई ऑलवेज राइड विद द पिलियन. तो आई एम रियली एन्जॉइंग स्टैंडिंग ऑन दिस बाइक. एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि सैडलिंग करते टाइम इसमें अगर मैं होता तो हैंडल बार रेजर्स इंस्टॉल करूँगा. अगर मैं ये बाइक लूँ तो आई विल इंस्टॉल हैंडल बार रेजर्स. तो माई हाइट इज़ 5'8", तो जिनकी भी हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी उन लोगों को
डेफिनेटली लगेगा कि हैंडल काफ़ी नीचे है, तो हैंडल बार रेजर होना चाहिए जिससे कि आपकी जो सैडलिंग पोजीशन है उसमें हैंडल यहाँ पर आए। ओके, कंफर्टेबल स्पीड। अब मैं ट्रेल पे आराम से बैठ के चला रहा हूँ, तो मैं सेकेंड गियर में ही मोस्टली इस ट्रेल पे राइड कर रहा हूँ, बिकॉज 15-30 की स्पीड ही रहने वाली है। पर इफ़ यू हैव टू फॉर सम रीज़न डाउन शिफ्ट द गियर, अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, तो अभी फर्स्ट गियर में चला रहा हूँ मैं बाइक। फर्स्ट गियर में भी इट हैज़ कम्फर्टेबल स्पीड, 20 की स्पीड तक आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो। एंड इफ़ यू वॉन्ट अ मोर कम्फर्टेबल राइड, तो सेकेंड गियर में आप आराम से 10-12 की स्पीड से चलाओ। यू डोंट हैव टू डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट फ्रीक्वेंटली ऑन द बाइक। पता नहीं कौन सी ट्रेल पर घूम रहा हूँ मैं, पर ये अच्छा लग रहा है, छोटा सा जंगल का पैच है। ओके, तो ऑफ रोड के डिस्कशन में अभी दो चीजें और आ जाती हैं, दे सैडलिंग पोजीशन। इफ आई शो यू द सैडलिंग पोजीशन, तो आप बहुत आराम से कंफर्टेबली इस बाइक पे खड़े होकर चला सकते हो ऑफ रोड ट्रेल्स वगैरह में। एक चीज जो मुझे लग रही है, जो मेरी हाइट है 5'8", उसमें मुझे लग रहा है कि हैंडल बार थोड़ा सा नीचे है। तो मुझे अगर इस बाइक को सैडलिंग या ऑफ रोड पर्पज के लिए लेना है, तो ऑब्वियसली आई वुड इंस्टॉल हैंडल बार रेजर, बिकॉज ये हैंडल बार पोजीशन काफी नीचे हो जाएगी। आई वुड लाइक द हैंडल बार टू बी कंफर्टेबली ओवर हियर, एंड देन आई कैन राइड द बाइक कंफर्टेबली ऑन द ऑफ रोड व्हाइल सैडलिंग। सेकेंड थिंग, 21 इंच का व्हील बेस है, विच इज अगेन नाउ अ नॉर्मल थिंग फॉर एडवेंचर सेगमेंट। 21 इंच व्हील बेस मीन्स कि आप छोटे मोटे गड्ढों से बहुत आराम से चले जाओगे। इनफैक्ट थोड़े बहुत भी अगर बड़े गड्ढे होंगे, तो आप हर गड्ढे में से अंदर नहीं जाओगे, बाइक ऊपर ऊपर से भी निकल जाएगी। स्पोक व्हील्स है, जो कि नॉर्मल ऑफ रोड में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि मैं अलॉय व्हील्स पे ऑफ रोड कर रहा हूँ बहुत आराम से, आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। बट स्टिल स्पोक व्हील सेटअप डेफिनेटली इज एडवांटेज ओवर द अलॉय व्हील सेटअप। तो ये तो मैंने तीनों चीजों के बारे में बात कर दी, सिटी, ऑफ रोड और हाईवे। उसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मेंशन करना जरूरी है, जिसमें से एक है माइलेज। तो माइलेज इस बाइक का मुझे जो हाईवे पे मिला, दैट वाज अराउंड 32-34। अगर आप 5th-6th गियर में 100 की स्पीड पर राइड कर रहे हो, तो फिर आप आराम से 32-34 का माइलेज निकाल सकते हो, बट अदरवाइज द माइलेज इज अराउंड 30। इवन इन द सिटी ट्रैफिक द माइलेज वाज अराउंड 28-30। तो माइलेज की रेंज वही है 28-32, और पेट्रोल जिस हिसाब से महंगा हो रहा है, कंपनीज शुड थिंक अबाउट इंक्रीजिंग द माइलेज, पर फिलहाल कोई इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है। वन मोर ऑब्जर्वेशन, जब मैं बाइक रात में चला रहा था, तो आई फेल्ट कि हेडलाइट थ्रो जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। सिटी राइडिंग के लिए इट्स मैनेजेबल, बट आई एम श्योर आप सिटी राइडिंग के लिए ये बाइक तो नहीं ले रहे हो, तो यू विल हैव टू इंस्टॉल ऑक्स लाइट्स इफ यू आर गोइंग फॉर टूरिंग, नहीं तो हाईवेज पे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग द रिव्यू, एंड आई होप द वीडियो विल हेल्प यू इन मेकिंग योर डिसीजन वेदर टू गो फॉर दिस बाइक और नॉट। मुझे पर्सनली बाइक बहुत ज्यादा पसंद आई है, बट इफ आई मिस समथिंग डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड डू लाइक इट, कमेंट से बताना कैसा लगा, शेयर जरूर करना। आई विल सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।